कार्यक्रम महासमुंद जिला के बजट तीनों विधानसभा 13, 14, 15 तीन दिन होगा और अब 50 से अधिक विधानसभा पूरे हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में धान खरीदी बहुत जोरों से चल रहा है, न बारदाने की कमी है, न तौल के, न उठाव के और न ही भुगतान के, तो सभी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। पैरा दान की मैंने अपील की है, किसान उससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और भी किसानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग पैरा दान करें ताकि गौवंश की सेवा की जा सके। देखिए, ये पैसा है वो विशुद्ध रूप से राज्य के कर्मचारियों का और राज्य के अंशदान है। भारत सरकार का इसमें एक पैसा भी नहीं है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उसका पैसा उनके पास है, लेकिन ये जो पैसा है वो राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान है। तो इसी के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें उसका नकारात्मक रवैया है। इसके लिए मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करें, बैठक करके इसका रास्ता क्या निकल सकता है उसमें विचार विमर्श करें और फिर हम लोगों के पास आए ताकि हम वो कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू किए हैं उसका हल निकाल सकते। सर, इस पर कोर्ट का रुख करेंगे क्या? जब मैं एक लाइन बोला हूँ कर्मचारियों के साथ बैठक करो, कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करने के लिए मैंने कहा है तो बैठक कर लें, उसके बाद तो रास्ता बताएंगे कि पहले से हो जाएगा। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। वंदे भारत रेल शुरू हुआ, प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेट इतना अधिक है कि आम आदमी इसमें चढ़ नहीं सकता, बड़े लोग चढ़ेंगे, पैसा वाले लोग चढ़ेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-30, 40, तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मुँह से एक शब्द नहीं निकला। छत्तीसगढ़ के 40-40 ट्रेनें बंद की महीनों से, लेकिन उसके बारे में एक शब्द नहीं। एक ट्रेन शुरू हो गया तो पूरा छत्तीसगढ़ तो सर में उठा लिया। हम भी बधाई देते हैं, अच्छा है, एक नहीं 10 चले। पहली बात तो किराया कम होना चाहिए, दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो 40 ट्रेनें रद्द हुई है उसके बारे में अब लोकसभा चल रहा है, सांसद लोग चुप क्यों हैं और इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? हमारे लोग मांग करते रहे लेकिन अरुण साहू जी एक शब्द नहीं बोले, और नांदगांव सांसद भी एक शब्द नहीं बोले, ना रमन सिंह कुछ बोला, एक शब्द नहीं बोला। और जब छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ तो कम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को एक निमंत्रण देते। आप नागपुर शुरू की अच्छी बात है। ये रेल विभाग अभी भानु प्रतापपुर में वहाँ अंतागढ़ में जो ट्रेन शुरू किए तब भी मुझे सूचना नहीं दिए थे, है ना? और छत्तीसगढ़ से ट्रेन शुरू हो रही नागपुर तक जा रही है उसमें भी सूचना नहीं है। मतलब रेल विभाग का मतलब भारत सरकार के एक विभाग है रेल विभाग, और उसमें जिस प्रदेश से ट्रेन जा रही है वहाँ के मुख्यमंत्री सूचना तक नहीं, निमंत्रण कार्ड छपवाना तो बात की बात है, सूचना तक देना मुनासिब नहीं समझे। और एक बार नहीं, ये दूसरी बार घटना है। ठीक है सर, भाजपा के जी ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवपूर्ण रहा है, 4 वर्ष किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, लघु अनुपज संग्राहकों के लिए, उस और चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो सभी क्षेत्रों में चाहे औद्योगिक विकास हो, व्यवसाय के विकास के लिए सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। संकट में भी हम लोगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। तो ऐसे में ये जो 4 साल पूरे हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा।